फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टैब इंसर्ट मेनू के टेबल में क्विक टेबल का यूज़ कैसे किया जाता है। क्विक का मतलब होता है इसमें पहले से बनाया बनाया टेबल होता है जिसे हम इंसर्ट करते हैं। इसके लिए पहले क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, फिर टेबल में जाएंगे। टेबल के नीचे यहाँ पे क्विक टेबल है, यहाँ हमने लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो हमें चूज करना है कर लिया। जैसे हमने कुछ भी चूज़ किया, ये समझो ये चूज़ किए, इतने सारे ओपन हो गए। उसके बाद क्या आ रहा है, डिज़ाइन आ रहा है। टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इतने सारे डिज़ाइन हैं, जो भी चूज़ करना हो कर लिए। ये देखो पूरा है, हमने ये चूज़ कर लिया। अब सेटिंग करना है टेबल को, सेटिंग किस तरह करना है। सेटिंग करने के लिए पहले सारे के सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किया, डिज़ाइन में गए, सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर लिया। फिर हमें क्या करना है, बॉर्डर करना है, टेबल का बॉर्डर कैसा लेना है, ले लिया। फिर टेबल का बॉर्डर का किस तरह का स्टाइल लेना है, इस तरह का लेना है, ले सकते हैं। पर इस सारे कुछ बॉर्डर को सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर कितना चाहिए, बॉटम चाहिए, टॉप चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर कर दिए, सारे में बॉर्डर आ गया हमारा। अब बॉर्डर को पेंट करना है, पेंट खुद की मर्ज़ी से करके करते हैं। अब हमें लेआउट में जाना है, लेआउट में ये जो हमारा है ड्रॉ टेबल, इससे टेबल ड्रॉ हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट टेबल, इससे ऊपर में टेबल इंसर्ट होगा, बिलो होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, टेबल बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगा। ये सारे एक एक कर मैं बताऊंगी। ऑटो फिट, इसमें ऑटो फिट का ऑप्शन देख लो, फिट हो जाएगा खुद से, जितनी साइज का टेक्स्ट है उतने होगा। फिक्स कॉलम विथ, फिक्स हो जाएगा। हाइट विथ चेंज कर सकते हैं टेबल का, डिस्ट्रीब्यूटेड रो में कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हैं। और इसका क्या है, ये अलाइनमेंट है, जो हम लोग फॉन्ट में भी पढ़े हैं। इसका पीछे का जो हमारा जो कुछ वीडियो है फ्रेंड देख लें, इससे क्या हो जाएगा, अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें अगर सेंटर मिलाना, सेंटर में ले आया, ये सारे टेबल के साथ एक साथ भी कर सकते हैं। पर इसके लिए मुझे सारे टेबल को सेलेक्ट, जैसे इस सेल को सेलेक्ट किया, अब हमें सारे टेबल को सेलेक्ट करना है। अब हमें सारा अलाइनमेंट करना है, देखो आएगा शिफ्ट। अब टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। सेल मर्ज में, सेल मर्ज होगा, सारे सेल एक में हो जाएंगे। बस दोस्त, रिपीट हेडर ऑर्डर ये सब ऐसे ही है, फॉर्मूला का यूज़ करना है इसमें। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में बने रह रही, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।